नमस्कार, मैं राजीव चौहान, मेरे साथ बहुत ही प्यारा बच्चा समर्थ राव। दोस्तों, आप सभी का मैसेज कमेंट के माध्यम से हमने पढ़ा था। आपने कहा था कि सर, अगली क्लास में आप धरे धरे कृतक के ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए। एक किसी खास व्यक्ति का मैसेज नहीं था, बहुत लोगों का मैसेज था। तो आज की क्लास में हम धरे धरे कृतक को कैसे बजाते हैं वो हम देखते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि धीरे धीरे कृतक बजाने की स्टाइल भी बहुत प्रकार के हैं और बहुत ध्यान में बहुत तरह से तरकीब से लोग धीरे धीरे कृतक बजाते हैं। लेकिन हमने इस विद्यार्थी को कैसे सिखाया है वो धीरे धीरे कृतक आप आज देखिए। और मूलतः धीरे धीरे कृतक जो बोल है, यह बोल पखावज का है और पखावज से ही इस बोल को लिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि तबले का निर्माण, तबले का उद्गम पखावज से ही हुआ है। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आज ये जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे कृतक हम बजाते कैसे हैं। यदि आप बजाना चाहते हैं धीरे धीरे कृतक या धीरे धीरे कृतक, सबसे पहले धीरे से बजाना होगा। तो मैंने समर्थ को जो सिखाया है, समर्थ आपको आज बजा के दिखाएंगे। फिर एक इसी पर आधारित एक कायदा डेला आपको सुनाएंगे। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज्यादा लाभ होगा। समर्थ, सबसे पहले हम धीरे धीरे कृतक को कैसे बजाते हैं, आप बहुत आराम से इसको बजाइए ताकि आपके दोस्त जो आपके माध्यम से सीखना चाहते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। सर, सबसे पहले धीरे धीरे का धी धी हम लेते हैं इस साइड से हाथ को। सर से जो सीखा है मैंने वो इसी साइड से है कि धी पहले यहाँ से बजाना है। धी राइट साइड से, धी धी ये ऐसे हो जाएगा बाएं के साथ। रा बिना बाएं के धीरा 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 किट तक अब दोनों को कंबाइन करके धीरा 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 यदि आप इसको बहुत अच्छा बजाना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम एक कायदा रेला जो है रेला सुनते हैं। ये कंपोजिशन है धा ती डे की टे धीरे 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 की टे तक, धा ती डे की टे तक, धा ती डे की टे तक, ता ती डे की टे तेरे 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 की टे तक, धा ती डे की टे तक, धा ती डे की टे तक। इसको दोबारा बोलता हूँ, फिर समर्थ ही बोल देगा। धा तीर किट धेरे 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 किट तक, धा तीर किट तक, धा तीर किट तक, ता तीर किट तेरे 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 किट तक, धा तीर किट तक, धा तीर किट तक। धा तेरे किट धेरे 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 किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, ता तेरे किट तेरे 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 किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक। इसको ना आराम से मध्य लय तक किया बजाइए। बहुत ही कम लय में मैं कोशिश करूंगा कि बजाऊं, तो ऐसे है। धीरे-धीरे में एक ही माया ली, आप और भी ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा लय को बढ़ाने का क्रम कैसा है वो तो लय कुछ ऐसी रहेगी सर। Thank you.
पोजिशन, इसको आप तैयारी के हिसाब से जितना स्पीड में बजाना चाहेंगे वो आपके लिए बड़ा आसानी से बज जाएगा। जैसा आपकी जिस तरह से आपका तैयारी होगी उस हिसाब से आप इसको बजा सकते हैं। लेकिन आप यदि इस बोल को खास इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ धीरे धीरे किट तक का अकेले रियाज करिए। एक बार शब्द धीरे धीरे किट तक को कैसे धीरे से हम तेज की बोल लेते हैं। कि आज जो आपको कुछ बताया गया है इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और फिर आप अभ्यास करिए। काफी दोस्तों का मैसेज है कि सर शुरू से तबला बताइए। आपकी बात सही है, तो हम बच्चों के साथ मिलकर के एक शुरू से तबला का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें या तो हमारा बच्चा बजाएगा या मैं खुद आपको शुरू से कैसे तबला हम सीखते हैं तो आपको वो हम बताएंगे। ऐसा हमने YouTube पे कई वीडियो ऐसा देखा है कि इस बोल को ऐसे बजाते हैं, इस बोल को ऐसे बजाते हैं, बहुत तरह से बजाया गया है, बहुत सारे विद्वान हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दरअसल ये बोलना चाहता हूं कि हम बहुत अच्छा बजा सकते हैं, मैं खुद बजा दूंगा अच्छा बज सकता है, लेकिन यदि उसको विद्यार्थी बजाते हैं तो कैसा होता है? क्या इस बोल को हमने किसी विद्यार्थी को सिखाया है? इसको बजाने में कितनी तकलीफ होती है, ये कैसे आगे आ सकता है, इसको हमें कैसे बजाना चाहिए? जब तक ये हम खुद करेंगे नहीं, किसी पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें इतना ज्यादा मालूम नहीं होता है। मैंने बजाया है, उस्तादों ने बजाया है, घंटों का रियाज है उनका, उनके हाथ में तो बहुत सुगमता से बज जाता है, लेकिन जब विद्यार्थी बजाते हैं तो उनके हाथ में उस तरह से नहीं आता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने अपना बजाया अल्प मात्र ही दिया है, ना के बराबर, बल्कि जितने भी बोल हमने दिए हैं जो विद्यार्थी बजा रहे हैं उसको दिया है, क्योंकि तो मेरा अनुभव है कि बच्चों को यदि इस माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चे जरूर आगे आते हैं। और वही एक उदाहरण आपके सामने हमने बच्चों के माध्यम से रखा है। हमने हर बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे बजा रहे हैं, इसी तरीके से हमने उनको सिखाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके बीच हमारे ऐसे ही बच्चे हमेशा आते रहेंगे और आपको इससे लाभ होगा। तो आज मैं और समर्थ सबसे विदा लेता हूं, और फिर जब अगली क्लास समर्थ की होगी कुछ ना कुछ नया चीज आपके साथ जरूर अंत में शेयर करूंगा। धन्यवाद।